श्रीमती इंदिरा गांधी। प्रत्याशी ज्योति मिर्धा आज डीडवाना पहुंची, जहां मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने आरएलपी और हनुमान बेनीवाल को करारा जवाब दिया। डीडवाना में मीडिया से मुखातिब होते हुए ज्योति मिर्धा ने कई सारे बयान दिए। ज्योति मिर्धा के खिलाफ नामांकन रद्द करने को लेकर आरएलपी की शिकायत के सवाल पर ज्योति मिर्धा ने आरएलपी की पूरी टीम को अनपढ़ों की जमात कह डाली। ज्योति मिर्धा ने कहा कि ये लोग डिग्रीधारी अनपढ़ के जमात हैं, ये लोग समझते नहीं हैं। जो कि डिग्री लेकर के बैठे हैं लेकिन समझते नहीं हैं कि हम वो लोग हैं जो अच्छी लीगल टीम्स को कंसल्ट किया करते हैं। और मैं यहाँ पे मीडिया के सभी बंधुओं को बताना चाहूँगी कि मात्र एफआईआर दर्ज करा देने से उस फॉर्म 26 के अंदर क्वालिफाई नहीं करते। जब पूरा लीगल हमारे को जब ओपिनियन मिला तब उन्होंने बताया कि सब चालान पेश होता है या सज़ा होती है, उसके बाद में आप क्वालिफाई करते हो और उसको आपको अपने फॉर्म में लिखवाना होता है। सभी लोगों से पता करके, पार्टी के भी बड़े वकील होते हैं, ये कोई ऐसी धानियों बुखानियों की पार्टी नहीं है जहाँ पर कोई आपको लीगल ओपिनियन नहीं दे सकता। बीजेपी के भी बड़े लॉयर्स थे, उन्होंने भी जब हम उनके संज्ञान में लिख करके आए कि एक ऐसी ऐसी एफआईआर दर्ज हो रखी है तो उन्होंने भी पता करके बताया और सब तरफ से लीगली हम बिल्कुल सही हैं, इसमें कोई डरने की बात नहीं है, कोई चीज ऐसी नहीं है जो हम। उधर पूर्व मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता परसादी लाल मीणा का एक वीडियो तेजी के साथ वायरल हो रहा है, जिसमें वो दौसा से कांग्रेस के टिकट को लेकर बयान देते नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुरारी लाल मीणा भी दौसा से टिकट नहीं लेना चाहते थे। और झालावाड़ में पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और लोकसभा चुनाव नामांकन रैली के साथ मतदान की तैयारियों को लेकर फीडबैक लिया। दरअसल वसुंधरा राजे के बेटे दुष्यंत सिंह पांचवी बार झालावाड़ 12 लोकसभा सीट से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में झालावाड़ में प्रचार प्रबंधन की कमान खुद वसुंधरा राजे ने संभाली है। दुष्यंत सिंह 2 अप्रैल को अपना नामांकन दाखिल करेंगे। इस दौरान शहर में एक बड़ी नामांकन रैली का भी आयोजन होगा, जिसमें पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद रहेंगे। और श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ लोकसभा सीट से टिकट कटने के बाद भाजपा सांसद निहाल चंद ने आज हनुमानगढ़ के भाजपा जिला कार्यालय में प्रेस वार्ता की और कहा कि वे पार्टी का फैसला सर्वोपरि मानते हैं। उन्होंने कहा, मैं 5 बार सांसद रहा, श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ में कई विकास कार्य करवाए और अब वे बीजेपी कार्यकर्ता के तौर पर जनता की सेवा करेंगे, लेकिन मलाल इस बात की है कि अपने क्षेत्र में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी नहीं बनवा पाए, लेकिन अब ये सपना प्रियंका बेलान की जीत के बाद पूरा होगा। प्रदेश नेतृत्व देगा, मैं नहीं दे सकता, लेकिन मैं तो कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का मैं पहले भी कार्यकर्ता था, आज भी कार्यकर्ता हूं और भविष्य में मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में ही काम करूंगा। मेरी एक सोच थी कि गंगानगर जिले में एक एग्रीकल्चर क्षेत्र है, यहाँ पे मैंने एक रिसर्च सेंटर खुलवाया था, एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर श्री गंगानगर में, तो मैं सोच रहा था, मैंने कहा यहाँ पे एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हो ताकि यहाँ के किसानों को सबसे बड़ा बेनिफिट मिल सके। वो मेरा जो सपना है वो मेरा अधूरा है, उसको भी हम लोग पूरा करेंगे। और अलवर से बीजेपी प्रत्याशी और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि देश में कांग्रेस पार्टी पूरी तरह निराश हो गई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस डूबता जहाज है और राजस्थान में कांग्रेस के बड़े नेताओं ने चुनाव लड़ने से ही मना कर दिया। कई नेता चुनाव हारने के डर से मैदान छोड़कर भाग रहे हैं। पीएम मोदी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। जो काम पिछले 70 सालों में कांग्रेस नहीं कर पाई वो 10 साल में मोदी के नेतृत्व में हुआ है। देखिए, कांग्रेस में पूरी तरीके से निराशा है। कांग्रेस एक डूबता हुआ जहाज बन गई है। कांग्रेस के बड़े नेताओं ने सबने चुनाव लड़ने से मना कर दिया है और जिसको टिकट मिला है वो छोड़ करके भाग रहे हैं। ये देश नरेंद्र मोदी जी की गारंटी के साथ है। नरेंद्र मोदी जी की गारंटी गरीब, युवा, किसान और महिलाओं के जीवन में सुधार ला करके 10 सालों में जो कल्याणकारी काम किए हैं उसके दम पर एक विकसित भारत बनाने की गारंटी। तो वहीं भरतपुर में जाट समाज के सभी सरपंचों में पूर्व सरपंच और प्रमुख नेताओं की भी बैठक हुई, जिसमें जाट समाज के नेताओं ने कहा है कि कुछ लोग अपने व्यक्तिगत लाभ को देखते हुए ऑपरेशन गंगा जल चला रहे हैं, जो कि पूरी तरह से गलत है और जाट समाज इसके खिलाफ है।
सरपंच संघ के जिला प्रवक्ता ओमवीर सिंह जाट ने बताया कि कुछ लोग जाट समाज की आड़ को लेकर राजनीतिक स्वार्थ और व्यापारिक लाभ सिद्ध नहीं कर पा रहे, उनकी भरपाई करने के लिए इस तरह का अभियान चला रहे हैं। ये पूर्ण रूप से जाट समाज की आस्थाओं को ठेस पहुंचा रहा है। क्या है कि ये लोग जाट समाज का चोला ओढ़ करके जो कुछ लोग निजी स्वार्थ के लिए, जिनका चाहे राजनीतिक स्वार्थ सिद्ध नहीं हो पाया हो या कोई व्यापारिक लाभ सिद्ध नहीं हो पाया हो, उन चीजों की अपनी भरपाई करने के लिए और निजी स्वार्थ के लिए जो गंगाजल अभियान चला रहे हैं, ये पूर्ण रूप से जाट समाज का ही नहीं हिंदू धर्म की आस्था को भी ठेस पहुंचा रहे हैं। इस तरह से राजनीतिक गतिविधि के लिए, जिसको हम माँ बोलते हैं, गंगा मैया बोलते हैं, गंगा जल को लेकर के और इस तरह से गाँव में ये लोग घूम रहे हैं और भाजपा को या किसी पार्टी को वोट न देने के लिए लोगों को उत्साहित कर रहे हैं और उसको गलत तरीके से उनको गुमराह कर रहे हैं। उधर अजमेर प्रत्याशी रामचंद्र चौधरी के समर्थन में बसपा प्रदेश महासचिव वाजिद खान चीता ने अपने समर्थकों के साथ कांग्रेस ज्वाइन की। इसके साथ ही पूर्व विधायक श्री गोपाल बाहेती का पार्टी ने निष्कासन रद्द कर दिया। पीसीसी चीफ डोटासरा ने वाजिद चीता को दुपट्टा पहनाकर पार्टी की सदस्यता दिलाई। मैं ये कहना चाहूंगा कि आने वाले लोकसभा चुनाव में हम सब एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे और एक एक कार्यकर्ता सड़क पर उतर कर चुनाव लड़ेगा, मेहनत करेगा और निश्चित रूप से हम रामचंद्र जी चौधरी साहब को संसद में भेजने का पूरा प्रयास करेंगे। और हमें पूर्ण विश्वास है कि जो देश की सबसे बड़ी पंचायत है उसमें रामचंद्र चौधरी जी जाएंगे और हमारे अजमेर की समस्या और हमारे अजमेर की बात को रखेंगे। हमारे लोकसभा के प्रत्याशी रामचंद्र चौधरी जी की अनुशंसा पर मुझे और भाई वाजिद को आज कांग्रेस में पुनः शामिल किया, इसके लिए प्रदेश कांग्रेस का और सभी नेताओं का हृदय से धन्यवाद करता हूं। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के हम बहुत आभारी हैं कि डॉक्टर बाईती जी को, जो पूर्व विधायक पुष्कर हैं, और हमारे वाजिद भाई चीता जो बसपा के प्रदेश महामंत्री हैं, उनको जो है कांग्रेस पार्टी में आज शामिल किया है और इनको मान सम्मानजनक जो है संगठन में पद भी जो एक दो दिन में जारी हो रहे हैं इनके, और मैं उम्मीद करता हूं कि इनके आने से कांग्रेस में जो है अजमेर जिले में एक तूफान आएगा, क्रांति आएगी, जोश आएगा। और अब बात बदहाल अस्पताल की करेंगे, जहां पर मरीज बेहाल हैं। सरकारी अस्पताल से आती बदहाली की तस्वीरें इतनी कॉमन हो चुकी हैं कि लोग उसकी तरफ ध्यान देना तक मुनासिब नहीं समझते। लेकिन बूंदी जिला अस्पताल से बेबसी की ऐसी खबर आई जिसे आप इग्नोर भी नहीं कर सकते। देखिए, व्यवस्था बदहाल, जान से खिलवाड़, बदहाल अस्पताल, मरीज बेहाल, सूरत हाल ये कि हाल बेहाल। न डॉक्टर साहब की लेट लतीफी और न अस्पताल परिसर में पड़े कचरे के ढेर। बूंदी जिला अस्पताल तो इस वक्त उस समस्या से जूझ रहा है जिसके बारे में आप कल्पना तक नहीं कर सकते। क्या आप ये सोच सकते हैं कि एक 1.5 रुपए की सैंपल कलेक्शन की शीशी के बगैर लाखों रुपए की मशीन धूल फांक सकती है? मशीनें कम्प्लीट है, लेकिन यहाँ पे जो शीशी आती है ना सैंपल की, वो खत्म हो रही है। अब लाखों रुपए की जो मशीनें पड़ी हैं, या 3 दिन से लाखों रुपए की मशीनें किसी काम नहीं आ रही। ये 2 जांचें हो नहीं रही, यूँ कह रहे हैं कि 2-4 दिन बाद होगी। अभी इनकी कोई बोतलें नहीं है यहाँ पे, तो बाद में करवा लेंगे। कोई सुविधा नहीं है, एक एक दो दो घंटे खड़ा रहना पड़ता है। 2-3 दिन से देख रहा हूँ भाई, यहाँ सैंपल की शीशी खत्म हो रही है और 2-3 रुपए की शीशी आती है मात्र, वो फिर भी आदमी वो परेशान होना पड़ रहा है। जांच के लिए जांच नहीं हो पा रही है यहाँ पर, और कुछ भी सुविधा नहीं है कुल मिला गया। प्रमुख चिकित्सा अधिकारी को लिखे खत में साफ साफ लिखा है कि केंद्रीय प्रयोगशाला में किट और रिएजेंट की कमी से सीबीसी, बायोकेमिस्ट्री और यूरिन की जांचें प्रभावित हो रही हैं। कई बार समस्या से अवगत करवाने के बावजूद हल नहीं निकल रहा। बजट के अभाव में कुछ सामानों की हमारे पास कमी हो रही है। राज्य सरकार को हर हफ्ते हम अवगत कराते हैं। अब देखते हैं, देखें 30 तारीख से 31 तारीख तक का महीना है, आज यदि कोई बजट डाल देते हैं तो उसमें हम उनके बिल निकाल देंगे और सप्लाई आ जाएगी। मात्र 25 रुपए के हिसाब से आने वाली EDTA ऑयल के अभाव में चिकित्सालय में जांच बंद होने से मरीजों को दर दर भटकने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, जिसका निजी लैब वाले भरपूर फायदा उठा रहे हैं। न जाने कब पीड़ितों की तरफ जिम्मेदारों का ध्यान जाएगा और कब व्यवस्था में सुधार होगा, इस सवाल का जवाब शायद किसी के पास नहीं है। न्यूज 18 राजस्थान के लिए बूंदी से चैन सिंह तंवर की रिपोर्ट।